मैं ज्योतिबाई राकेत टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दो कौड़ी का आदमी है। उसका लड़का एक साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। मोन्टाज में ये वीडियो सुना आपने, ये है अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत दो कौड़ी के आदमी हैं। जो किसानों ने 17 तारीख से 3 दिन का प्रोटेस्ट किया था लखीमपुर खीरी में, उनको बता रहे हैं कि ये कुत्ते हैं और भौंकते रहते हैं। आप समझिए बीजेपी के जो मंत्री हैं वो किस तरीके से किसान नेताओं को गालियां दे रहे हैं। यही नहीं, इसके जवाब में राकेश टिकैत ने क्या कहा है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है अजय मिश्र टेनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जी हाँ, आपको याद होगा जब लखीमपुर खीरी घटना घटी थी, जब इनके बेटे ने किसानों पर थाल चढ़ा दी थी, उससे पहले ऐसी ही एक जनसभा में अजय मिश्र टेनी ने क्या कहा था। अजय मिश्र टेनी ने कहा था कि मैं मंत्री रहने से पहले क्या था आपको शायद पता नहीं है, और अगर मैं वहां आ गया तो सब भागे हुए नजर आओगे। इस तरीके की धमकी दी थी कि 2 मिनट में आपको भगा दूंगा। जब लखीमपुर खीरी में आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, तब अजय मिश्र टेनी ने किसानों को धमकी दी थी। उस बयान का असर यह हुआ था कि इनके बेटे थार लेकर पहुंच गए और किसानों पर थार चढ़ा दी थी, जिसके बाद किसानों ने दबाव बनाया और इनके बेटे की गिरफ्तारी होती है। आशीष मिश्र टेनी के खिलाफ एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अभी वो जेल में है, जिससे अजय मिश्र टेनी बौखलाए हुए हैं और वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वो किसानों को कह रहे हैं कि ये कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं, जो ये शब्द ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए, लेकिन इनका आप बयान सुन लीजिए किस तरीके से ये किसानों को अपशब्द कह रहे हैं और राकेश टिकैत को दो कौड़ी का आदमी बता रहे, सुन लीजिए। हम गच्छी की तरफ पड़ रहे हैं और सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। मैं ज्योतिबाई राकेत टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दो कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने दो बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। तो सुना आपने, ये अजय मिश्र टेनी की बौखलाहट है जो साफ साफ बता रही है। उसी के जवाब में राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है। जब उनसे पूछा गया कि अजय मिश्र टेनी ने आपके बारे में, आपको दो कौड़ी का आदमी बताया है, तो उस पर राकेश टिकैत ने क्या कहा है, उनका भी ये बयान सुन लीजिए। उसका लड़का एक साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात दुपे नहीं जाना, इनमें बयान दुपे हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलागा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पर दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहाँ पर, तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। विवादित बयान देख के ही तो जो पहला मामला हुआ वो बयान से ही तो हुआ, और 120B के मुलजिम है, तो 120B का मुलजिम खुला रहेगा तो एक दहशत रहेगी और जांच को और लखीमपुर खीरी कांड को प्रभावित करते रहेंगे। तो कोर्ट को, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इनको हटा गया तो भाई जिला बदर या यहाँ से स्टेट बदर हो, यहाँ पर इस तरह के बयानबाजी ना करें, क्योंकि लोग जो वहाँ पर गवाह है उनको डराने का काम करते हैं, ये उससे प्रभावित करते हैं, इससे जांच प्रभावित होगी। तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि वो, उनका बेटा पिछले एक साल से जेल में बंद है, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है और वो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी का एक पूरा खौफ है जिसको खत्म करने की जरूरत है, और जो लखीमपुर खीरी जो हिंसा हुई थी उसमें जो जांच चल रही है उसको प्रभावित कर रहा है, गवाहों को धमकाना, डराना, इस तरीके के मामले हैं, इसलिए जरूरी है कि अजय मिश्र टेनी को तड़ी पार कर दिया जाए, जिला बदर कर दिया जाए या राज्य बदर कर दिया जाए, उनके तड़ी पार करने की मांग उन्होंने कही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अजय मिश्र टेनी ने जिस तरीके से किसानों का अपमान किया है, अपशब्द कहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है। लखीमपुर खीरी घटना जब हुई थी
उससे पहले भी अजय मिश्र टेनी ने कहा था कि आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं मंत्री रहने से पहले क्या था शायद आप लोगों को पता नहीं है, अगर मैं वहां पर आ गया, यानी कि जहां किसान आंदोलन चल रहा था लखीमपुर खीरी में, अगर मैं वहां पर आ गया तो दो मिनट में सारे के सारे भागते हुए नजर आओगे, ये उन्होंने बयान दिया था। जिसके बाद कुछ दिनों बाद ही इनके बेटे और अपने साथियों के साथ थार लेकर किसानों पर चढ़ा देते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के हालात है। इतना ही नहीं, 2000 प्रभात गुप्ता हत्या कांड में अजय मिश्रा टेनी मुख्य आरोपी है, आप अंदाजा लगाइए, और उनकी सुनवाई चल रही है। 2018 में उनका फैसला सुरक्षित रख दिया गया है, लेकिन उसके बाद से अभी तक आखिरी सुनवाई नहीं हो पाई है और ना ही उसका कोई जजमेंट आया है। तो अजय मिश्र टेनी की पावर कितना प्रभावशाली है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस फैसले को 2018 में ही सुरक्षित रख दिया गया हो, वो आज तक उसकी आखिरी सुनवाई नहीं हुई है और उस पर कोई फैसला नहीं आ पाया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजय मिश्र टेनी कितने पावरफुल है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, ना ही अदालत इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है। अब इन्होंने पिटीशन डाली है कि जो मामला इनका था वो लखनऊ बेंच पे था, उसको इलाहाबाद बेंच पर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आप अंदाजा लगाइए लगातार जो इनके 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 खिलाफ जो फैसला चल रहा था उसको और आगे टालने की कोशिश ये लगातार करते रहते। वहीं जो प्रभात गुप्ता थे उनके भाई का बयान आया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अजय मिश्र टेनी जो है वो लगातार जो है उसके अदालत को फैसले को अपने प्रभाव के जरिए प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ किसानों पर इनके बेटे ने थार चढ़ा दी थी और अब इस वीडियो के जरिए ये किसानों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी में ऐसे नेताओं की ऐसे मंत्रियों की भरमार है। वहीं अगर बीजेपी में उत्तर प्रदेश में खासकर अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, तो उनकी संपत्ति की कुड़की हो जाती है, उन पर ईडी की छापे लगते हैं। लेकिन अजय मिश्र टेनी जो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, जिन पर कई जो है आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या के आरोपी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना उनका इस्तीफा होता है, वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं। तो राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि इनको तड़ीपार कर देना चाहिए, जिस तरीके से इनका पूरे लखीमपुर खीरी में खौफ है, डर है, जिस तरीके से ये गवाहों को लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उससे केस पर असर पड़ रहा है, और जो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी, एक निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो कहीं कहीं तक उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो इसलिए इनको तड़ीपार कर देना चाहिए। इस वीडियो पर अजय मिश्र टेनी के पूरे मामले पर आपकी क्या राय, जिस तरीके से उन्होंने किसानों का अपमान किया, उनको गाली दी है, उससे आप क्या सहमत है, असहमत है, क्या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।